आरएस नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा, हम आपके लिए लेकर हैं एक बार फिर से डीसी रेट की वैकेंसी। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक लिफ्ट मैन की और स्वीपर के लिए वैकेंसी थी, ये यहाँ पे क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए निकली हुई है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे मित्र जितने भी हैं उनके लिए जॉब के ऑफर मिलते रहें। तो सबसे ऊपर लिखा ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जजर पब्लिक नोटिस। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट फिलअप 17 मतलब 17 पोस्ट कलर के लिए और 3 पोस्ट मतलब स्टेनोग्राफर के लिए। सैलरी इनको मिलने वाली है 25,500। तो मित्रों इसमें देख लिए डिटेल वाइज देर, जर्नल के लिए 10 पोस्ट है, एससी के लिए 3, बीसीए के लिए 2, बीसीबी के लिए 1, जर्नल और मतलब ईएसएम ये अलग से कैटेगरी है इसके लिए 1, स्टेनोग्राफर के लिए मतलब 3 पोस्ट हैं। मिनिमम एज है ये मतलब 18 होनी चाहिए। और दोस्तों फॉर क्लर्क मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसके लिए, रिकॉग्नाइज पास्ट मैट्रिकुलेशन विद हिंदी मतलब आपने 10वीं हिंदी से पास की होनी चाहिए। ठीक है, रिटर्न इज द फॉलोइंग मतलब इनके लिए टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, 50 नंबर की इंग्लिश होगी, जनरल नॉलेज और मतलब नॉलेज 50 नंबर की जनरल, 33% में आपको क्वालिफाइंग किए जाएंगे। फॉर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर के लिए 20 WPM मतलब शॉर्ट लाइन ट्रांजेक्शन टेस्ट स्पीड ऑफ 80 WPM इंग्लिश में और 20 ट्रांजेक्शन द सेम ऑन कंप्यूटर मतलब 20 WPS के हिसाब से मतलब कंप्यूटर पे टाइपिंग की जाएंगी। लास्ट डेट है भाई साहब इसकी 20/3 और डेट ऑफ एग्जामिनेशन फुल क्लास पेयर और इसके परफॉर्मा ये नीचे दिया हुआ है, इसको फिल करके आप इस पे भेज सकते हैं और मतलब वहाँ पे जाके डायरेक्ट आप इसको जमा करवा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ये आपके लिए मैं खुशखबरी है। तो हम आपके लिए बार बार में ये लेकर हाजिर रहेंगे, जल्दी ही दोबारा नोटिफिकेशन लेकर हाजिर रहेंगे। थैंक यू सो मच।